हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल चैनल ऑफ चाणक्य इंस्टीट्यूट. सो टुडे वी हैव कंडक्टेड द मॉक टेस्ट ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन अपॉन द पैटर्न ऑफ द एनडीए. सो हेयर इज द फीडबैक वीडियो ऑफ द स्टूडेंट्स. अनन्या, व्हाट वाज द लेवल ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी इट केम फ्रॉम द लेवल वाज मॉडरेट टू हाई, बट क्वेश्चंस वर ट्रिकी, बट वी प्रैक्टिस्ड द सिमिलर क्वेश्चंस इन क्लास, सो इट वाजंट दैट बिग प्रॉब्लम. व्हाट वाज द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इन द एग्जामिनेशन? मैथमेटिक्स का लेवल जो था वो भी मॉडरेट टू, मतलब टफ ही था, बट ये था स्पेशल थैंक्स टू आर रजत सर, उन्होंने हमें क्लास में काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो प्रैक्टिस करवा दिए थे ऑलरेडी. पी वाई क्यूज हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे थे, तो मेरे को तो जो लेवल था वो मॉडरेट ही लगा, और मैंने काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट भी किए. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक्यूरेसी भी 95% है, तो काफ़ी अच्छा गया पेपर. जानवी, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन? मैम, एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल वॉज इजी टू मॉडरेट, एंड हम काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए थे क्योंकि ऑल थैंक्स टू आर टीचर्स, उन्होंने हमें गाइड किया एंड यू नो पी वाई क्यूज प्रैक्टिस करवाए थे, सो दैट्स वाई मतलब वी के 80% क्वेश्चन हम कर पाए थे इजीली. पारस, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट यू फॉलोड फॉर द एग्जामिनेशन? स्ट्रेटजीज एक्चुअली द मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, एंड स्पेशल थैंक्स टू आर टीचर्स हु गाइडेड अस एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड अस प्रैक्टिस असाइनमेंट्स व्हिच आई प्रैक्टिस अ लॉट, एंड आई वाज एबल टू मैनेज द एग्जामिनेशन pressure and as well as the examination. आपने मैथमेटिक्स को कैसे सिंपलीफाई किया? सर, फॉर दिस आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक्स आवर टीचर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी फॉर टेकिंग आवर डाउट्स, एंड मोर एवर वी हैव ऑल्सो प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ पी वाई क्यूज फ्रॉम जे एंड एनडीए टू, सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी हैंडल मैथमेटिक्स, बिकॉज इट वॉज जस्ट थोड़ा कम सोचना है, ज़्यादा नहीं, बट पूरा सोचना है, आधा नहीं. अच्छा, आपका फिजिक्स का पेपर कैसा रहा? सर, फिजिक्स का पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, और हम मैनेज कर पाए थे उसको कि कैसे करना है, और इट वॉज रिलेटेड टू आर नोट्स ओनली, कि नोट्स के बीच में से आया था जो हमें टीचर्स ने करवाया था, और पी वाई क्यू जो हमें सर ने सॉल्व करवाए थे उसी में से आया था. जानवी, आपका जीके का पेपर कैसा रहा? सर, जीके का ईजी था, जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए गए थे काफ़ी कुछ उसमें से आया था, एंड मतलब ईजी टू मॉडरेट था, हम अटैम्प्ट कर पाए थे काफ़ी कुछ. अच्छा, आर एन सिंह, व्हाट इज द गुड स्कोर? आप कितना अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, गुड स्कोर क्या रहा आपका? मेरा मैथ्स में लगभग, मैम, मैथ्स में लगभग 80% जो मैंने अटेम्प्ट किया, मैम मैं सोच के चल रहा हूँ कि वो ठीक होगा, और वही मैम गैट में भी लगभग 50-60% सोच रहा हूँ सही होगा. उदय, व्हाट इज द टाइम टेबल जो आप फॉलो करते हो, आप किस अकॉर्डिंग से अपने टाइम को डिवाइड करते हो ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ? मैं अपने टाइम को मतलब कि हर तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे मेनली, उनको मतलब कि ऐसे शेड्यूल में डिवाइड कर देता हूँ कि मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना क्योंकि उसको वो ज़्यादा वेटेज लगता है, इसलिए मैं मैथ्स को ज़्यादा मतलब कि प्रेफर करता हूँ. बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात रही तो वो भी मैं मतलब कि सेल्फ स्टडी के दौरान मतलब टीचर्स भी करवा देते हैं, और जो सेल्फ असाइनमेंट्स वगैरह मिलती है वो भी हम कर लेते हैं, जिसके कारण वो मतलब कि सफिशेंट हमारे लिए. परमेश्वर, हाउ द टीचर्स गाइडेंस हेल्प्ड यू? आप कैसे, टीचर्स ने जो आपको गाइड किया वो आपने कैसे अप्लाई किया अपने एग्जामिनेशन में? टीचर्स ने हमारे हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, उन्होंने हमें काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, हमें काफ़ी मॉक टेस्ट दिए, हमें असाइनमेंट्स दिए, जिससे हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई और हम अच्छे से प्रेशर हैंडल कर पाए और हम अच्छे से एग्जाम दे पाए अपना. जयंत, आपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? मैम, टू बी वेरी स्पेसिफिक, देयर वाज नथिंग मच अबाउट प्रेशर, या there's a little bit of nervousness because it's a, you know, there is a competitive nature every day. So I just started with the mathematics section and I was just trying to match up the speed, like the one minute per question. So it was not that much difficult to manage time because it was all about the practice and the accuracy level that you have, and especially thanks to Rajat sir who has helped us a lot in maintaining the speed. Kalash, what is the weightage of biology in the examination? मतलब biology के आप कितने के questions हुए वो exam में रहते? हमारे को हमारे टीचर्स ने बता दिया था कि जब पहले बायो हमारे को कम वेटेज रखती थी, लेकिन अब के दिनों में जो पेपर आते हैं उसमें बायो काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है, वेटेज लगभग 10-12 क्वेश्चन कर दी गई है, और इसलिए हमारे को बायो के 10th की पढ़ाई करवाई जा रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारे को बुक्स गिवन थी, हमने उसमें से पढ़ना था और हमारी तैयारी अच्छी हो रही थी. महक, हाउ डिड यू स्कोर गुड इन द एग्जामिनेशन एंड व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी? उन्होंने पहले ही हमारे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लिए, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आया कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है,
और काफ़ी अच्छे 90% एक्यूरेसी से मैंने अटेम्प्ट किया पेपर और काफ़ी अच्छा हुआ है। रिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बताना है और साथ में आपने ये बताना है कि जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस थे आपके उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे या नहीं थे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये है, जब हम क्लास में जब हम टीचर्स हमें टॉपिक करवाते हैं तो मोस्टली टीचर्स की कोशिश रहती है कि जैसे हमने टॉपिक करवाया साथ साथ में पी वाई क्यूज करवाए जाएँ। और जो अब हमारा मॉक टेस्ट हुआ उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे जो पी वाई क्यूज थे, जो मैंने अभी पी वाई क्यूज पेपर मैंने सॉल्व भी किया उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो रिलेट कर रहे थे, तो हाँ पी वाई क्यूज काफ़ी हेल्पफुल रहे हमें यहाँ पे। ओके अनन्या, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, ऐसे लग रहा था डैट हम लोग एग्ज़ाम देने ही जा एग्ज़ाम ही दे रहे हैं और हमें ओएमआर शीट पे हमने जो है वो टेस्ट करा जिसके जिससे कि हमें पता चला कि एनडीए एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज मॉक टेस्ट, बाकी जो है उसमें हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखेंगे कि बच्चे जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।